वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। पर्ल वाइन में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर किया। उस वीडियो का टाइटल था पर्ल वाइन एक्सपायरी डेट, और जिस यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड है उस यूट्यूब चैनल का नाम है पर्ल वाइन ज्ञान, राइट। उस वीडियो में है क्या कि एक रिकॉर्डिंग को वीडियो बना के अपलोड किया गया है। उस रिकॉर्डिंग में एक सज्जन व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पर्ल वाइन समझा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मेरी लाखों लोगों की टीम है, मैंने 20-25 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, जिसे वो MLM बोल रहे हैं जो कि एक्चुअल में स्कैम होता है, ठीक है। और वो ये भी बता रहे हैं कि मैं लोगों को डांट देता हूँ जब कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, मतलब कि उनके अंदर जानकारी का अभाव है। देखिए, व्यक्ति नाराज तब होता है जब उसे एक्चुअल में नॉलेज नहीं होती, राइट। और उस वीडियो में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं MDH मसाले और Amazon के, कि लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, राइट, और उसके काफ़ी सालों बाद 10-20 साल बाद इन्होंने खुद को रजिस्टर किया, राइट। देखिए, ये एक बात एक समझनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति को कि आज के समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, राइट, तो आप 20 साल पीछे जाकर भी ना सर्वाइव नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी देश 50 साल पुरानी सभ्यता को अपनाकर आज के समय में सर्वाइव नहीं कर सकता। 50 छोड़ो 20 साल पुरानी सभ्यता को अपनाकर भी दुनिया का कोई भी देश आज के समय में सर्वाइव नहीं कर सकता। हर देश को, हर एक व्यक्ति को तक अपडेट होना पड़ता है, राइट। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, पहले जो हुआ उसे आप भूल जाओ, आप उस टाइम पीरियड में जाके ना उसके एग्जाम्पल दे के खुद को सही साबित नहीं कर सकते, राइट। आज के समय में यदि आपको एज अ सेलर काम करना है Amazon पर या Flipkart पर ही, ठीक है, तो आपको, आपके लिए डे वन से ज़रूरी है कि आपके पास GST नंबर होना चाहिए, राइट। आप चाहे खुद को एज अ प्रोप्राइटर ही रजिस्टर्ड करें GST नंबर लेने के लिए, लेकिन आपके पास GST नंबर होना चाहिए, राइट। तो यदि आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो एक्चुअल में आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक्चुअल में पर्ल वाइन एक बिजनेस है, यहाँ पर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की। ये बिजनेस नहीं है, राइट, ये बिजनेस नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन स्कीम है, राइट, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति पैसा देता है ना उसका पैसा बांट दिया जाता है, राइट, उसका ही पैसा बांट दिया जाता है और आधा पैसा तो ऑन द स्पॉट उसके अपलाइन को मिल जाता है, राइट। तो एक्चुअल में आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो, है ना। इसमें कोई बिजनेस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि पर्ल वाइन में कोई बिजनेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग है, राइट। ये मनी सर्कुलेशन स्कीम है जिसमें कि व्यक्ति से पैसा लिया जाता है और उसी पैसे को घुमाया जाता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ व्यक्ति इस पर ऐसी बातें करते हैं कि क्राउड फंडिंग है, राइट, क्राउड फंडिंग है, क्राउड फंडिंग भी ये नहीं है। क्राउड फंडिंग को लेके भारत में क्या रूल है, उसको एक बार यदि व्यक्ति पढ़ ले तो उसको इस बात का एहसास होगा कि एक्चुअल में पर्ल वाइन क्राउड फंडिंग भी नहीं है। एग्जांपल के लिए भारत में जैसे किटो है, मिलाप है, ठीक है, ये क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है, ठीक है, इस पर आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो, लीगल है, ठीक है। लेकिन क्राउड फंडिंग के लिए आपके पास एक्चुअल कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है, आपकी ऐसी कोई समस्या होनी चाहिए या फिर आपका कोई ऐसा काम होना चाहिए जो कि अर्जेंट है, आप उसके लिए पैसा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप किससे ले रहे हो वो नीडी है भी नहीं है, और किसे दे रहे हो वो नीडी है भी नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं पता। आप बस पैसा लेते हो, आपस में बांट देते हो। और क्राउड फंडिंग का आप नाम इसलिए दे रहे हो क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्राउड फंडिंग क्या होती है, आम व्यक्ति को नहीं पता, राइट, इसलिए वो धड़ल्ले से इस काम को करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी कमेंट करते कि आप इस पे FIR क्यों नहीं कर देते, आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा देते, राइट। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्लान है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बहुत मोटा अमाउंट आपस में बांट दिया जाता है, ठीक है, और कुछ परसेंट अमाउंट जो है वो सिस्टम रख लेता है, ठीक है। तो ये सालों साल चल सकता है, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट प्लान ये इलीगल है, इलीगल है और है, ठीक है। आप क्राउड फंडिंग बोलेंगे तो इलीगल है, आप बिजनेस बोलेंगे तो इलीगल, और किसी बिजनेस की कोई सरेडी में नहीं आता, राइट। और जो आप ऑटो पुल की बात करते हैं ना, वो भी इलीगल है, टोटल इलीगल है, कभी भी बंद हो सकता है, राइट। तो लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो 50 साल पुराने एग्जांपल दे रहा है ना, एक्चुअल में उसे नॉलेज ही नहीं है। 50 साल पीछे जाके ना कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। पहले क्या था, 50 साल पहले उसको छोड़ दो आप,
है ना, उसे छोड़ दो आप। यदि मैं 1920 का एग्जांपल दूँ तो वो नहीं चलेगा आज के समय में, है ना। क्योंकि मैं खुद को यदि अपने आप को देखूँ तो मेरी उम्र 30 साल है, मैं 1990 में जाके भी सर्वाइव नहीं कर सकता। सन 2000 में भी यदि आप मुझे भेज दोगे तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता उस कंडीशन में, उस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन में, उस तरीके की टेक्नोलॉजी में, राइट। तो आप कैसे मतलब ऐसे मूर्खता वाले एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप इतने पुराने एग्जाम्पल दे रहे हो MDH के, अमेजोन के। आज के समय में, आज के समय में जिनके आप एग्जांपल दे रहे हो ना, उन्हीं कंपनियों की मैं बात बताता हूँ। एक्चुअल में एक बहुत सारी कंपनियों के ग्रुप होते हैं, ठीक है। वही व्यक्ति यदि आज के समय में कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तो डे वन से उसको रजिस्टर्ड कराएगा, डे वन से। तभी कंफर्म करो टाटा ग्रुप के पास कितनी कंपनियाँ हैं, रिलायंस के पास कितनी कंपनियाँ हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पास कितनी कंपनियाँ हैं, और आप ये उनका डाटा निकालो कि ऐसी कितनी कंपनियाँ जो पुरानी है, ऐसी कितनी है जो नई है, राइट। लास्ट 10 सालों में कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं, और जब वो काम करना स्टार्ट किया उन्होंने तो कितने टाइम बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने हो जाएगा। और वो व्यक्ति, अभी मेरी लाइव स्ट्रीम में एक व्यक्ति आया था, बोला था मैंने 95 लाख रुपये कमाए। आपने एक्चुअल में कमाए नहीं, आपने गरीबों के लूटे हैं, ठीक है, आपने गरीबों के पैसे लूटे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसा दावा करता है कि मैंने करोड़ों कमा लिए, तो एक बार वो शो करे ना पब्लिक में, क्या प्रॉब्लम क्या है। यूट्यूब पर एक वीडियो बना के डाले अपनी बैंक स्टेटमेंट की कि देखो जी ये मैंने पैसा कमाया है, ये मेरे अकाउंट में आया है, बस बात खत्म। आप लोग जो बात करते हो FIR क्यों नहीं कर देता, ये क्यों नहीं कर देता, वो क्यों नहीं कर देता, एक बार डलवाओ तो सही, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार डलवा के देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा कर रहा है कि मैंने 2-4 करोड़ कमाए हैं, तो व्यक्ति एक बार ऐसी वीडियो बना के डाल दे, ठीक है, उसके ऊपर ना एक्शन हो तो आप बोलो। और ये जितने भी व्यक्ति बकवास करते हैं, आपकी जो बकवास है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1% फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिसके अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल है वो स्कैम है, और जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं ना या करवा रहे हैं, वो एक्चुअल में स्कैमर है। तो जब सच्चाई बोली जाती है ना, तो ऐसे लोगों को बुरा लगता है, राइट। बाकी दोस्तों, मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये स्कैम है, आप इससे बच के रहो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो व्यक्ति जिन्होंने अपने घर की 10-10 आइडियाँ लगवा रखी हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप मूरा को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, राइट। बाकी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो इसे एक रियल प्लान समझते हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।